हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सो ये वाला वीडियो क्लास एलेवेंथ के लिए है एन एम्पायर क्रॉस द थ्री कॉन्टिनेंट्स का सेकंड पार्ट इसमें हम लोग द अर्ली एम्पायर वाला टॉपिक कवर करेंगे ठीक है ना अब हमें पता है कि रोमन एम्पायर के दो फेज़ थे एक था अर्ली फेज़ और एक था लेट फेज तो इसमें हम अर्ली फेज के बारे में ही पढ़ेंगे पहले इस पर डिफ्रेंस बताया गया है दो सुपर पावर्स के बीच में रोमन एम्पायर और ईरान के बीच में ठीक है उनके डिफरेंसेस देख लेते हैं पहले पहला डिफरेंस ये है द रोमन एम्पायर वॉज कल्चरली मच मोर डाइवर्स दैन दैट ऑफ ईरान जो रोमन एम्पायर था वो कल्चर में बहुत ज़्यादा डाइवर्स था ईरान के हिसाब से द पार्थियंस एंड लेटर द ससानियंस द डायनेस्टीज दैट रूल्ड ईरान इन द पीरियड ठीक है पार्थियंस और उसके बाद सोशानियंस ये दो डायनेस्टीज थी जिन्होंने ईरान में रूल किया था अब इसके कॉन्ट्रास्ट में रोमन एम्पायर वाज अ मॉस्काई ऑफ टेरिटरीज एंड कल्चर्स दैट वर चीफली बाउंडेड टुगेदर बाय अ कॉमन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रोमन एम्पायर में गवर्नमेंट चलता था ठीक है ना मेनी लैंग्वेज व स्पोकन इन द एम्पायर बट फॉर द पर्पज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लैटिन एंड ग्रीक ठीक है बहुत सारी लैंग्वेज रोमन एम्पायर में बोली जाती थी बट एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के हिसाब से लेटिन और ग्रीक बोली जाती थी ठीक है ना द अपर क्लासेस ऑफ द ईस्ट स्पोक एंड रॉट इन ग्रीक ठीक है तो जो अपर क्लासेस थे जो अपर क्लासेस थे जैसे एरेस्टोक्रेसीज हो गए ठीक है तो वो लोग ग्रीक लैंग्वेज में लिखा करते थे और जो वेस्ट वाले लोग थे वो लैटिन लैंग्वेज में ठीक है तो ये कुछ डिफरेंसेस थे रोमन एम्पायर और ईरान के बीच में ठीक है मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस बनवा के एक वीडियो में शेयर कर दूँगी आप उसे याद कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में ये एज अ फाइव मार्कर्स या एज अ सिक्स मार्कर्स आता है ठीक है अब हम लोग पढ़ेंगे अगस्त के बारे में द रिजीम स्टाब्लिश बाय अगस्त द फर्स्ट एम्प्रायर इन ट्वेंटी सेवन बी सी ई वॉज कॉल्ड द प्रिंसिपटेट ठीक है तो अगस्तस एक फर्स्ट एम्प्रर था ट्वेंटी सेवन बी सी ई में जिसको प्रिंसिपेट बोला जाता था और अगस्तस वॉज अ सोल रूलर एंड अ रियल सोर्स ऑफ अथॉरिटी तो अगस्तस एक अच्छा रूलर था जिसने रूल करा था द फिक्शन वॉज स्िप्ट लाइफ दैट ही वॉज एक्चुअली ओनली द लीडिंग सिटीजन The Senate had existed in Rome for centuries and had been rebuilt a body representing the aristocracies. The wealthiest family, the Roman, and later the decent were mainly landowners. ठीक है तो इसमें ना ये बताया गया है कि सबसे पहले जो पावर थी वहाँ के किंग और एरेस्टोक्रेसीज के पास थी ठीक है उसके बाद सीनेट्स पे आई सीनेट्स के बाद आर्मी पे आई ठीक है अब एक क्वेश्चन ना ज़रूर आता है एग्ज़ाम में कि व्हाट वर द फ्यूचर्स ऑफ रोमन आर्मी ठीक है तो यहाँ पे आर्मी के बारे में ना एक पैराग्राफ बता रखा है ठीक है द नेक्स्ट टू द एम्पर एंड द सीनेट द अदर की दूशन एम्पीरियल रूल वाज आर्मी जैसे मैंने आपको बताया कि पहले एम्प्रर थे उसके बाद सीनेट ने रूल करा उसके बाद आर्मी का रूल चलता था ठीक है द रोमन हैड अ पेड प्रोफेशनल आर्मी वेयर सोल्जर्स हैड टू पुट इन मिनिमम ट्वेंटी फाइव ईयर्स ऑफ सर्विसेज ठीक है तो रोमन एम्पायर में जो सोल्जर्स थे उनको ट्वेंटी फाइव ईयर्स की सर्विस देनी पड़ती थी ठीक है टोटल सोल्जर्स सिक्स लाख थाउजेंड थे ठीक है अब जो सीनेट्स थे ना उनको डर लगता था आर्मी से ठीक है क्योंकि जो आर्मी थी वो ज़्यादा वायलेंस क्रिएट करती थी और एक अनप्रडिक्टेबल सोर्स थे ठीक है तो जो सीनेट थी वो डरती थी किससे आर्मी से इसमें एक ईयर बताया गया एक नोस्ट्रीशियस ईयर सिक्सटी नाइन्थ सेंचुरी जिसमें क्विक सक्सेशन हुआ था कि चार एम्प्रायरस एक सेंचुरी एक ईयर में चेंज हो गए थे ट्रिबीरियस फोर्टीन टू थर्टी सेवन सेंचुरी द सेकेंड इज़ द लॉन्ग लाइन ऑफ द रोमन एम्प्रायर वॉज नॉट द नेचुरल सन ऑफ अगस्तस ठीक है जो ट्रिबेरियस था वो अगस्तस का नेचुरल सन नहीं था ठीक है वो जो अगस्तस था वो फाउंडर किसका था प्रिंसिपटेट का ठीक है और अगस्तस ने ट्रिबीरियस को एडॉप्ट किया था क्योंकि अगस्तस ने देखा था ट्रिबीरियस को एक बार किसी वॉर में लड़ते हुए तो अगस्तस ने सोचा कि ये एक स्मूथ ट्रांजेक्शन करेगा मतलब एक स्मूथ एम्पायर को चला सकेगा तो अगस्तस ने ट्रिबीरियस को एडॉप्ट किया एज़ अ सन अच्छा एम सी क्यूज़ में ना कभी कभार एक क्वेश्चन आता है कि अगस्तस ने जिस सेंचुरी में या जिस एज में रूल करा था उस एज को क्या कहते हैं ठीक है तो उसे हम पीस वाला टाइम कंसीडर करते हैं क्योंकि जब अगस्त रूल करता था तो लोग लोगों के साथ कोई क्रोलिटी नहीं थी ठीक है पीस तरीके से लोग रहते थे तो उस एज को हम लोग पीस एज बोलते हैं जब अगस्त रूल करता था